सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सभी चेहरे जाने पहचाने हैं, माल्यार्पण और भी आगे बढ़ाते, किंतु इस कार्यक्रम को अभी 2 घंटे चला। हमारे देश के प्रधानमंत्री नमामि नरेंद्र मोदी जी की किसी पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो कि देश का सबसे ऊंचा पद है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने घोषणा की कि हम गरीबों को सारा 72,000 रुपए देंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि आपने जो ये चुनावी नारा दिया है, 2014 से पहले आपकी सरकार की दादी ने भी चुनाव के वक्त ये नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उनका भी ये नारा सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गया। कहीं ना कहीं जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने केवल पिछड़े वर्ग को और ना ही गरीब के लिए ऐसी कोई योजना बनाई ताकि पिछड़े वर्ग का या गरीबों के लिए कोई ये सशक्त कार्यक्रम लगाया जाए या उनके लिए ताकत हमारे मोदी जी ने आप लोगों को दी। एक खुशी की बात आप लोगों के लिए बताऊं, जब जब आप लोगों ने अपने आप को आंका है, जैसे हाथी, जब जब हाथी को आंकर तो नहीं होता अपने शरीर का, दिखाई नहीं देता मुझे मेरे शरीर में ताकत कितनी है, और जब एहसास होता है तो बड़े बड़े भारी भ्रमों को पलट देता है। ऐसे ही जब जब आपने अपनी ताकत को जाना है, तब तक आपने प्रदेश से लेकर के केंद्र तक अपनी ताकत का एहसास बनाया है, कराया है। प्रदेश की सरकारों को बनता है, केंद्र की सरकारों को बनता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि दो विचारधारा के बीच में चुनाव है। एक जो विचारधारा भारत माता की जयकारा के साथ में होते कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, दूसरी विचारधारा हमने हमेशा एक सेतु बनकर समाज को एक साथ लाने का काम किया। हम लोगों ने कभी भी आक्रमणकारियों की तरह नहीं काम किया, बल्कि धरती को बचाने का काम किया, लोगों को एक साथ पिरोने का काम किया, लोगों को पालने का काम किया। और मैं कहना चाहूंगी, मुझे खुशी है कि केंद्र में उनके समय में भी पिछड़ा वर्ग आयोग था, लेकिन वो आयोग सिर्फ एक झुंझुना था। वो किसी समय तो भूत के अंदर हुआ करते थे, आज वो देश दुनिया की सबसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यहाँ आपका बेटा, आपका भाई भूत का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वहां नहीं बन सकता। वहां सपा में मुख्यमंत्री बनेगा तो उनके परिवार के लोग ही बनेंगे। बहन जी ने तो घोषित कर दिया है, अपने भतीजे को निकाल के लेकर के आ रही है, शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ मैंने अपने आंखों से देखा, हमारे रामनाथ कोविंद जी हमारे महामंत्री हुआ करते थे, हम लोग प्रदेश में उनके साथ काम करते थे, चुपचाप खड़े रहते थे, सीधे थे, सज्जन थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक पार्टी ने सबसे बड़े पद पर पहुंचाया। हमारी आगरा की देवी रानी मौर्य मेयर रही थी और ऐसा विधानसभा एससी में आती है, वहां से चुनाव लड़ी और बेचारी हार गई। कुछ समय लखनऊ में हमारे पास आती थी, कहती थी भाई साहब आप लखनऊ में ज्यादा रहते हैं, हमारे संगठन के लोगों से कह दीजिए कि महिला आयोग में कहीं सदस्य में मेरा नाम हो जाए तो बेहतर रहेगा। और लखनऊ दिल्ली के चक्कर काट करके बेचारी चली गई अमेरिका बेटे के पास।
और वहाँ संगठन की ओर से फोन जाता है कि आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी फोन करेंगे तो फोन रिसीव कर लेना। उनके ऐसा क्या हो गया है कि आप राज्यपाल बनने जा रही है, ऐसी पार्टी है ये, उनको पता ही नहीं था कि मैं राष्ट्रपति बनू। मेरे साथ हमने देखा था, हमारे राजपाल जी को एक हमारे संगठन में काम करते थे, खेत में पानी लगा रहे थे, उनके पास खेत में पानी लगाते समय फोन जाता है कि आपसे राज्यसभा दी जा रही है, ऐसी पार्टी है ये। यहाँ कोई कहीं से छोटा कार्यकर्ता इसका मुकद्दर कहाँ जाग जाए, कहाँ से पार्टी उठा करके कहाँ पहुंचा दे, किसी को पता नहीं। और वहां तो आप कल्पना करते रहिए, कितना भी काम करिए, लेकिन आप लोगों को मुख्यमंत्री आप सपा में नहीं बन सकते और न बसपा में बन सकते। बसपा में और क्या होता है बताऊं, चुनाव का समय जब आता है तो भाईचारा की कमेटी बनती है। आप ठाकुर साहब के जिलाध्यक्ष हैं, ठाकुर भाईचारा के, आप ब्राह्मण समाज के भाईचारा के अध्यक्ष हैं। बांट दिया जाता है, जैसे जंगल में पता है चरवाहा जाता है लकड़ी लेकर के पशुओं को चराने, वो लकड़ी मैं मानता हूं कि वो बसपा हमारी वो लकड़ी पद दे देती है कि आप जिला का अध्यक्ष हैं, भाईचारा के आप जिला अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा और कोई पद है ही नहीं वहां। और चुनाव के बाद तुरंत भंग कर दिए जाते हैं। राजपूत जी हमारे जिला महामंत्री हैं, कार्यक्रम का संचालन भी उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। मैं चाहूंगा हमारे अभिनंदन है और हमारे मुख्यमंत्री जी का इस तरह से सम्मान, मुख्यमंत्री जी ने इतने रक्त कम समय में यहाँ आकर आप लोगों के बीच अपने जिए। यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।